ऐसे ही सोचा था कि बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह का मेडल आ रहा तो जल्दी स्कोच साहब के पास ही करते थे विजेंद्र सिंह, तो तभी मैंने सोचा था कि जल्दी स्कोच साहब के पास ही करवानी है, तो तब से जल्दी स्कोच साहब के पास और बहुत बढ़िया सफर रहा हद तक। अब आगे क्या लक्ष्य है, क्या मानते हैं आप आगे? लक्ष्य अब ओलंपिक के लिए लक्ष्य है हमारा स्कोच साहब का, और हमारा ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है, तो वो उसके लिए तैयार करेंगे। क्या खास ये रही कि दो बाउट पहले वाली जो नॉकआउट ही थी और ये भी आखिरी में काउंटिंग कराई थी, मतलब बहुत बढ़िया बात थी। ठीक कॉमनवेल्थ के गेम्स हो गए, किस प्रकार से आपने ऐसी तामील दी? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हमारे देशवासियों का प्यार और जितने भी हमारे खेल के प्रशंसक हैं और ख़ास करके मीडिया लोग, उन्होंने भी हमारे खेल को जन जन तक पहुँचाया है। यही बात उनके बाद की जो हमारी पहले ग्रीन के बाद है उसके बाद गेम खेलती है बहुत सुविधा और सदा हुआ उसका व्यवहार है, साइकोलॉजिकली बहुत संयमित तरीके से खेलती है, वो हारती है जो जीतती है उसके लिए अपन माइंड से होती है, तीन बाउटे थी एक दफा जीती है फाइनल में तो उसने 0-5 से, और उससे पहले RSC करके एक दफ़ा सेमीफाइनल में जो प्रियंका ढिल्लों की उसको हराया है। और कितने किलोग्राम भार? 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश को रिप्रेजेंट किया है, और 48 किलोग्राम भार वर्ग में पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें हमारी जो विजन के बाद है देश की दुनिया की मैरीकॉम, MC मैरीकॉम ने रिप्रेजेंट किया था, उसने पिछले गेमों में एक ही गोल्ड मिला था हमें के बाद में, मैरीकॉम का था महिला वर्ग, और अभी इस ट्रायल में वो नीतू के साथ ट्रायल थी मैरीकॉम की, तो उसमें उसको इंजरी हो गई थी इसलिए वो अपने बाप को आगे नहीं बढ़ाए भाई, और उसकी जगह पे नीतू को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। नीतू ने अपनी जो उम्मीदें अपने देशवासियों ने उन पर रखी थी उन पर खरा उतरी है और देश को सोना चाहिए। तो आगे क्या उम्मीदें हैं? एशियाई खेल हैं अगले सितंबर में चाइना में, जो इस साल होने थे पोस्टपोन हो गए कोरोना की वजह से, और अगले वर्ष अनेक टूर्नामेंट हैं जिनके आधार पे हमारा जो 2024 का पेरिस ओलंपिक है उसके लिए कोटा तय होगा, तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी लक्ष्य है, और अगले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना भी लक्ष्य है, और मेन टारगेट हमारा 2024 का 2024 में ओलंपिक पदक